So we are starting a portfolio risk and return. पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता था पढ़ा था तुमको कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास थाउजेंड रुपीज है अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम या तो एक थाउजेंड रुपीज को इक्विटी शेयर में लगा दिया थाउजेंड एक सिंगल इन्वेस्टमेंट हो गया या तो दूसरा पार्ट हम करें थाउजेंड रुपीज में से 250 इक्विटी शेयर में लगाया 250 डिबेंचर में लगाया 250 डिफरेंट शेयर में लगाया एंड 250 म्यूचुअल फंड अपने बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है हमने यहाँ पे सिंगल इन्वेस्टमेंट करा यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करा दैट इज पार्ट ऑफ फोर असेट्स दैट मींस कि हमने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि हमने एक पोर्टफोलियो बनाया उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर अगर इस पोर्टफोलियो पर रिटर्न निकालेंगे कैसे निकालेंगे कुछ रिटर्न किसका होगा 10% का किसका होगा 10% का किसका होगा 20% का किसका होगा 20% और क्या करेंगे सबका एवरेज कर देंगे ये तो सिंगल का रिटर्न है सबका एवरेज कर दिया तो क्या निकल गया पोर्टफोलियो का रिटर्न अगर रेट की बात करें तो टोटल पैसा हमारे पास कितना था ₹1000 का हमने कितने पार्ट में कर दिया चार पार्ट में कर दिया तो अगर रेट की बात करें तो 0.25 इसका रेट है 0.25 इसका रेट है 0.25 इसका रेट है वेटेज है 0.25 इसका रेट है सबको जब ऐड ऑन करेंगे सबका वेटेज 1 है और अमाउंट की बात करें 250 अगर पोर्टफोलियो रिटर्न की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है सिग्मा मल्टीप्लाई बाय रेट अगर रिस्क की बात करें कि टोटल पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है अगर सिंगल असेट की रिस्क की बात करें तो सिंगल असेट का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से वो तो पढ़ लिया होगा अगर पोर्टफोलियो रिस्क की बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन वेट वन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वन स्क्वायर प्लस वेट टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन टू के स्क्वायर प्लस टू वेट वन वेट टू स्टैंडर्ड डेविएशन वन स्टैंडर्ड डेविएशन टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी वन एंड सिक्योरिटी ये
Security bar and door handle. Yeah, security A and B are should be on. Hello. Here we have the covariance between security bar and coefficient of correlation between security bar and multiply by standard deviation or standard deviation. अगर इसका फॉर्मूला ये होता है तो अगर देखो ये क्या है ये भी तो कोवेरियंस है ना तो अगर मैं नया फॉर्मूला प्लॉट करूं ये हो जाएगा वेट स्क्वायर वेट स्क्वायर प्लस अभी मैंने लिखा कि कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी 1 एंड 2 का फार्मूला क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर क्वेश्चन आ जाए कि यू हैव टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी 1 एंड 2 क्या करोगे इस पार्ट को इधर लेके जाओगे डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा कोवेरियंस 1 एंड 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 1 सिंपल You are given following information of two security. Calculate portfolio return and risk. If an investor invests first part 50%
in A and 50% in B. Second, 20% in A and 80% in B. Third, 80% in A, 20% in B. 80% in A and 20% in B. You are required to calculate. You are required to calculate expected risk of portfolio and the return of portfolio. You have the formula given for the portfolio risk. You have the formula for the portfolio return. Calculate expected risk. सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे ए पार्ट का पोर्टफोलियो रिटर्न को देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है इसका वेट इक्वल आर सिग्मा वेट इक्वल वेट कितना है ए का 0.5 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न कितना है एक्सपेक्टेड रिटर्न 80% प्लस वेट टू कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9% आप मुझे बता दो कैलकुलेट करके बिल्कुल सही
practice karoge to aage mere liye bahut acha hai. So you have to keep practicing again. This kind of papers are very easy. The only difficulty is student face is formulas. Lots of formulas are there in this chapter. You have to practice questions, formulas, and you have to. आगे चले ये क्लियर है आपको. सेकेंड पार्ट की बात करें सबसे पहले हमें निकालना है वेटमेंट कितना है 0.5 है नहीं सेकेंड केस में तो ये सबसे सेकेंड पार्ट वेटमेंट इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न कितना है 3 प्लस वेटमेंट कितना है मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया b प्लस ये वाला पार्ट ना पुराने क्वेश्चन की तरह ये वाला पार्ट तो सेम होगा
चेंज क्या हमको पसंद नहीं था Calculate portfolio risk as well. If
is 5.3%. Standard deviation B is 2%. Coefficient of correlation between simplicity A and B is minus 0.9%. हमें इसमें कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो रिस्क, ठीक है? पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी इनफॉरमेशन चाहिए होती है? वेट, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये चाहिए कुछ है? हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? स्टैंडर्ड डेविएशन ए का कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन बी का कितना है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वुड बी बी एंड बी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो गिवन है क्या? कितना है? हम बोल सकते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न टोटल वेट हमेशा कितना होता है? वन। अगर वन में से टोटल वेट में से वेट टू माइनस को तो मेरा वेट वन आ जाएगा, तो वेट वन को मैं कह सकता हूं वन माइनस वेट टू। यहां पे लिख लूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 5.3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस वेट टू प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई वेट। ये सॉल्व करके बताओ एक कर लोगे ना? यहाँ पे क्या करेगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न सिक्योरिटी में कितना है? अगर बात करें 1 माइनस 0.83 कितना आ जाएगा? ठीक है, अब इन दोनों को यूज करके आप पोर्टफोलियो रिस्क निकालोगे। ठीक है, पोर्टफोलियो
इस कैलकुलेटर में नेक्स्ट टॉपिक लिखा मिनिमम मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें वेट ए मिनिमम आए इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है क्या अगर मैं आपसे कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है हम उसको लिखते हैं ए वेट मिनिमम ए स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी वी स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिक्योरिटी वी ए एंड बी स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी ये कौन सा लिख सकते हैं ना
अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन t का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन t का स्क्वायर माइनस 2 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन e एंड d स्टैंडर्ड डेविएशन a स्टैंडर्ड डेविएशन b. ये भी फार्मूला हो सकता है. ये हमने मिनिमम वेरिएंस a का निकाला है. अगर आपसे वेट b पूछा जाए तो क्या करोगे? 1 में से माइनस कर दो. अगर आप इसको 1 में से माइनस कर दो तो वेट कौन सा मान होगा? उसका a का निकाल लीजिए और b का माइनस कर दीजिए. क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट और मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न एज वेल एज रिस्क. आज ये चैप्टर पढ़ के जाना था सिर्फ एग्जाम में प्रैक्टिस करना इतना एक्सपीरियंस हो जाए. I just
Calculate beta factor of security for which following PDs are available. Calculate beta factor of security for which following PDs are available. Also, is this fine? The security is defensive or aggressive. Also, is this fine? Whether the security is defensive or aggressive. In potential exam, mean return from security, mean return is equal to 10%. Mean return security. Mean return from market portfolio 11%. Standard deviation of return from market portfolio 15%, 15% of market portfolio 15%. Standard deviation of return from security 18%. Coefficient of correlation. Coefficient of correlation between the returns of security and market portfolio is equal to 0.8. You have to calculate beta. Simple hai. Beta ka formula given hai. You have to calculate beta. Beta is denoted for systematic risk and standard deviation is denoted for total risk. CAP model padha hai, capital asset pricing model. Ipo capital asset pricing model. Capital asset pricing model.
That is 3A is 5%. That is 3A is 5%. Okay. Our effective return is 17%. And beta of our security. And beta of our security action is 1.5. Beta percent. Find out the expected return from the security. In the allocation, is the number party. If the expected return, of the security G is 18%. What must be its beta? In the first part, we have to calculate expected return of batch. In the second part, expected return of security G is already given. We have to calculate its beta because beta is missing. RF or RI. Return of risk-free return and market return, both are the same of that. So, use the ABM method and calculate expected return. And 23% is expected return of security value.
variables you have to keep data missing. Is there any concept here? There is 3 data. If 3 data is 1.5%, 1.5% is 1.5%. The recipe rate is 4.5%. Return on the board. Return on the board market index is 17%. Market index is 17%. Beta of security L is 1.1%. It's 1.1. Beta of security L is 1.1. Find out the expected return on the security. If the actual return provided by the security L is 20%, what does it mean? Provided by security L is 20%, what does it mean? If the expected return on security S is 22.5%, what must be its beta? What must be its beta? If it is corrected, if it is correctly priced in the market, what must be its beta if it is correctly priced in the market? Security S is 22.5%. What must be its beta if it is correctly priced in the market?
सर पहले आप एक्सपेक्टेड टॉर्क निकालोगे सिक्योरिटी एल का, देन आफ्टर यू विल कैलकुलेट बीटा फॉर सिक्योरिटी एस. And what's the return of market? 20%. And the market cost is 2%. Question is 18.25, and that means it is underpriced in the market. Little nice thing that we security L is underpriced in the market. Security L is underpriced in the market.